The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. So, hum baat kar rahe hain hair ki. What is the biggest reason, biggest problem of your hair? Humne aapko bahut mauke diye, aapne pehchanne ki koshish kari. लेकिन जो सवाल निकल के आया है, जो जवाब निकल कर आया है कि सबसे बड़ा रीज़न जो आपके, सबसे बड़ी चीज़ जो आपके हेयर को डैमेज कर रही है, ना वो स्ट्रेस है, ना वो टेंशन है, ना वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, ना वो पोल्यूशन है. जी हाँ, ये सारी चीज़ें डैमेज करती है, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती है. जेनेटिक्स जीन्स अफेक्ट करती है, फलाना ढमकाना इफेक्ट करती है, विटामिन डेफिशिएंसी अफेक्ट करती है, शैम्पू अफेक्ट करता है, आप किससे धो रहे अफेक्ट करता है. लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है पानी. जी हाँ, पानी. पानी अगर हार्ड है तो हार्ड वाटर सबसे ज़्यादा और सबसे खूंखार डैमेज करता है आपके बालों को. सो अगर आपके घर में जो नहाने वाला पानी है उसको आप देख रहे हो कि झाग नहीं बनता. यार मेरा तो हाथ में साबुन ही नहीं आता है, झाग ही नहीं बनता है. तो झाग नहीं बनता है तो हार्ड है वाटर, या TDS चेक करवा सकते हो आप. सो हार्ड वाटर से, पानी से आप बाल धोगे, चाहे शैम्पू कोई भी लगाओ, चाहे शैम्पू ना भी लगाओ, तो बालों से सारा मॉइस्चर, सारा टेक्सचर, सारी क्यूटिकल के ऊपर की जो स्मूथनेस, सारी ख़राब हो जाएगी एंड योर हेयर विल गेट डैमेज. एंड वेरी 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 रूटीनली अगर आप ये कर रहे हो, थोड़े दिनों में ही आपके बाल टूटने लगेंगे, ख़राब होने लगेंगे. तो जो ऑब्वियसली खेती है उसको ख़राब करोगे तो फिर क्या सोचते हो आप, आपके बाल बचेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है पानी. तो क्या करें भाई साहब? तो दो काम कर सकते हो. जी हाँ, दो तीन काम कर सकते हो. या तो आप पानी का TDS मीटर से TDS चेक करें कि पानी, अगर TDS आपका 200-300-400 से बहुत ही ऊपर है, 1000-2000, बाप रे बाप, इतना TDS का पानी से नहीं नहाना है. 300-400 चल जाएगा, 500 चल जाएगा, थोड़ा इस तरीके से 300-400 के नीचे का TDS है, या जी हाँ, ऐसे पानी से आप नहा सकते हो. अगर TDS का इशू आप नहीं कर सकते हो, TDS कंट्रोल 400-500 के अंदर, तो फिर आप पानी के अंदर बेकिंग सोडा डाल सकते हैं. वो भी उसकी जो डैमेज करने की एसिडिटी है वो कम करता है. तो बेकिंग सोडा डालने से भी कुछ फ़ायदा मिलेगा आपको पानी के अंदर. उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो थर्ड ऑप्शन, जी हाँ, RO वाटर का इस्तेमाल किया जा सकता है. बल्कि इसमें जो RO का पानी जो बाद में निकलता है ना, जो वैसे ही निकलता है, वेस्ट जाता है, वो भी अच्छा खासा क्लीन वाटर होता है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो सॉफ्टनर, वाटर सॉफ्टनर लगवा सकते हो आप. वाटर सॉफ्टनर, बेकिंग सोडा डाल सकते हो आप. TDS कम करवा सकते हो अपने सप्लायर को बोल के, वट एवर यू वॉन्ट. बट ये सबसे बेसिक है. अगर आपका पानी अच्छा नहीं है तो बाल ना बचने वाले. फिर चाहे दुनिया का कोई भी शैम्पू यूज़ करो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, चाहे कोई भी किसी भी जादूगरनी का हो, जादू का हो, कोई भी हो, डजंट मैटर. सो इट्स अबाउट वॉट, इट्स अबाउट नंबर वन इज़ वाटर. नंबर टू इज़ येस, हार्मफुल सब्सटेंसेस. उसमें हो सकता है आप जो 5 लेयर वाले में घुसने वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, 10 लेयर में घुसने वाला शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, और पता नहीं कितना ही वेरी, क्या बोलते हैं उसको, एडवांस्ड शैम्पू यूज़ कर रहे हैं. एडवांस्ड शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती है, राइट? एडवांस्ड से एडवांस्ड शैम्पू की ज़रूरत नहीं होती है. बाल गरीब को सही होता है एक सिंपल सा साबुन जो कि मॉइस्चर ना खींच ले. तो बाल के लिए द बेस्ट इज सिंपल 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 प्रोटीन बेस्ड शैम्पू विथ लीस्ट इंग्रीडियंट्स, विथ लीस्ट उल्टा सीधा इंग्रीडियंट्स, समझ रहे? बालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल सा शैम्पू और प्रोटीन बेस्ड रहेगा. तो एक जैसे जब कई बार हम बालों में एग लगा लेते हैं, लोगों ने देखा ना, एग लगाते हैं तो एग से बाल स्मूथ हो जाते हैं. तो प्रोटीन सिर्फ उसके ऊपर थोड़ी स्मूथनेस दे देगा और कुछ. केराटिन ट्रीटमेंट, प्रोटीन ट्रीटमेंट कराते रहते हो ना, डेली बेसिस पे प्रोटीन शैम्पू यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी आपको. यस, सो यहाँ पर अगर आप सोचोगे ना कि 20 साल की उम्र में हेयर फॉल से, हेयर थिनिंग से बाल पतरे हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है? सो यहाँ गलती आप ही की है. गलती हम ही कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कि हम क्या गलती कर रहे हैं. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं पता कि भाई क्वालिटी ख़राब हो रही है. जी हाँ, क्या कुछ लोग, आप सोच के देखो, कई बार आप घूमने जाते हो ओवर
हिल स्टेशन, हिल स्टेशन में जब भी गया हूँ मैं या कोई भी गया है, जब वहाँ के पानी से बाल धोते हैं अजीब सी स्मूदनेस आ जाती बाल में, एक ही बार धोने से ऐसा लगता है वाह क्या बाल है, क्योंकि दैट वाटर इज एक्चुअली हाई हिल्स में वो जो उसका वो होता है टीडीएस होता है कम होता, सॉफ्ट वाटर होता है. सॉफ्ट वाटर इज अ बिग बिग ब्लेस फॉर योर हेयर्स. सो नंबर वन चीज़ है पानी, सेकंड चीज़ है हार्मफुल चीज़ें. उसमें जितने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शैम्पूज हैं वो डैमेज करते हैं. जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शैम्पू की जरूरत नहीं होती, सिंपल शैम्पू चाहिए. साबुन से तो कतई भी बाल नहीं धोना है जी हाँ, चाहे मेडिमिक्स हो चाहे कोई भी हो. साबुन या बट्टी वाले साबुन में अल्कलाइजिंग एजेंट यूज होता है, जो बेसिकली किसी भी लिक्विड को बार सोप बनाने के लिए नीडेड होता है. इसमें उसमें जितना अल्कलाई हो अल्कली होगा उतना वो हार्ड होगा. इसीलिए जो हम बर्तन धोने का साबुन यूज़ करते हैं वो अल्कली ज़्यादा होता है, उसमें हार्डनेस ज़्यादा होती है. और जब आप उसको डायरेक्ट अपने हाथों से भी धोगे तो हाथ सारे रफ हो जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, कि अल्कली सारा मॉइस्चर खींच लेता है. तो सोचो अगर आप साबुन के बट्टी से साबुन बाल धोगे तो ऑब्वियसली वो मॉइस्चर सारा खींच लेगा और बाल ड्राई हो जाएंगे आप खूंखार तरीके से. तो यस, बाल धोने के लिए लिक्विड सोप चाहिए, ये बेसिक है. ओके सो बाल धोने के लिए लिक्विड शैम्पू चाहिए, लिक्विड शैम्पू. इवन ड्राई स्किन है अगर तो लिक्विड सोप से ही धोना होता है. इवन स्किन की बात करें, स्किन में भी ड्राई आपका हार्ड वाटर खराब करता है. सो दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स विच यू शुड अंडरस्टैंड, फर्स्ट बेसिक थिंग. देन यस टेंशन कम्स, देन यस न्यूट्रिशन कम्स, देन यस पॉल्यूशन कम्स, इंग्रेडिएंट्स कम्स, कि भाई मैं बाल कैसे डैमेज कर रहा हूँ. और देन हेयर केयर रूटीन भी मैटर करती है कि नहीं मैंने, चलो क्या है, एक तो हमने ड्राई एकदम मस्त हार्ड वाटर से खूंखार तरीके से चार प्रकार के शैम्पू लगा के या साबुन की बट्टी से घचर घचर के बाल धो लिए, उसके बाद फिर टॉवल से लेके उसको बालों को चूड़ी ऐसा मारा है, खचैक खचैक खचैक, और फिर अलग तरीके से भी मारा और इधर से भी मारा, और फिर ऐसा निचोड़ के उसको बांध दिया, और फिर देखा कि अरे तो बाल टूट रहे हैं, फिर या तो ऐसा ऐसा घस रहे हैं जोरदार तरीके से, गलत है. सो बालों को एयर ड्राई होने देना पड़ता है. कायदा कायदा बोलता है बालों को, या ब्लो ड्रायर मारने, ब्रो मुझे जल्दी जाना है, ब्लो ड्रायर मारोगे तो बाल और ड्राई होंगे, बाल ड्राई होंगे, क्यूटिकल खराब होगा अंदर, और ज्यादा बाल की ऐसी तैसी होगी. तो बालों को यू शुड लेट योर हेयर एयर ड्राई, एयर ड्राई, और जितना हो सके उसके ऊपर से हीटिंग जी इंस्ट्रूमेंट्स ना यूज करें, ब्लो ड्रायर यूज ना करें, हीटिंग आयरन यूज ना करें, कर्लिंग आयरन यूज ना करें, जब तक कभी कभार में चल जाता है, बट डेली बेसिस पे ना जी ना जी. इफ यू लव योर हेयर प्लीज स्पेयर देम, राइट, अंडरस्टैंड, ये ना चल भाई ऐसा चलेगा नहीं, दिस इज द बिग थिंग. फिर इसी वजह से बालों के अंदर इश्यूज आते हैं, कलर खराब होने लगता है, टेक्सचर खराब होने लगता है. फिर देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन बाहर निकलते हैं खुले बाल, ऐसी धुआंधार हवाएं और ये पोल्यूशन लग लग के सब बालों को खराब कर रहा है. फिर उसके बाद बाल खराब हो जाते हैं. फिर उसके बाद न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन डी सब में कम, B12 सब में कम, आयरन की कमी फीमेल्स में, सेलेनियम की कमी, राइट, आयरन सेलेनियम जिंक बायोटीन ये सारी चीजें चाहिए होती हैं बालों को, बट देन वी आर डेफिशियंट तो ग्रोथ नहीं हो रही सही से. फिर किसी को डैंड्रफ इन्फेक्शन हो रहा है, किसी को ऑटो इम्यून डिजीज हो रहा है, किसी को ये सारी चीज़ों से स्किन खराब हो रही है, ग्रेनेस हो जा रही है, अर्ली ग्रेनेस, क्या ग्रे हो रहा है, हेयर हेयर पूरे के पूरे सफ़ेद हो रहे हैं, प्री मेच्योर वाइटनिंग हो रही है. हम लग रहा है हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं, हम तो साफ ही कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, बट द केयर विच यू आर गिविंग इज रॉन्ग, द केयर विच यू आर गिविंग इज रॉन्ग, एंड दैट्स वाई यू आर सफरिंग फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड वॉट इज गोइंग ऑन, हाउ दिस इज गेटिंग रॉन्ग. सो हाई हेयर को क्या चाहिए, हेयर को न्यूट्रिशन चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए, खाने में हाई प्रोटीन, प्रोटीन की कमी दुनिया भर के लोगों में, प्रोटीन ही नहीं है तो हेयर बनेंगे कैसे, बेसिक, अगर आपके पास ईटा नहीं है तो बिल्डिंग कैसे बनाओगे, वेन यू डोंट हैव अ ब्रिक हाउ विल यू मेक अ वॉल, हाउ विल यू मेक अ बिल्डिंग. सो प्रोटीन ही नहीं है तो बाल कैसे बनेंगे, है ना, तो हाई प्रोटीन डाइट ही नहीं है वो बॉडी के अंदर तो बाल कैसे आएंगे, राइट. फिर कई सारे फैक्टर्स हैं, हॉर्मोन्स हैं, टेस्टोस्टीरोन्स हैं, थायराइड है, तो अंडरस्टैंड, देखिए कितने सारी बात हो गई अभी तक ही, कि सो मैनी फैक्टर्स आर देयर जो आपके बाल डैमेज कर रहे हैं, राइट.
सो इट डजेंट मैटर आप क्या यूज कर रहे हो, मिनोक्सिडिल यूज कर रहे हो, फिनास्टराइड यूज कर रहे हो या कोई मल्टीविटामिन यूज कर रहे हो, जब तक आप हर एक एंगल क्लियर नहीं करोगे, जब तक आप हर एक पॉइंट कवर नहीं करोगे, आपके बाल झड़ते रहेंगे, आपके बाल थिन होते रहेंगे, आपके बाल खराब होते रहेंगे। सो यहाँ पर सारा खेल ही नॉलेज का है, आपका नॉलेज है क्योंकि आपको केयर करना है, फिर डॉक्टर के पास जा रहे हो, उस डॉक्टर का नॉलेज है क्योंकि उस डॉक्टर को ढूंढना है, इट्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन, राइट, इन्वेस्टिगेट करके कारण ढूंढना होता है कि नंबर वन फैक्टर क्या है आपके केस में, एटलीस्ट सब में एटलीस्ट चार चार फैक्टर तो होंगे ही हायर डैमेज करने वाले, पर नंबर वन को ढूंढ के कम करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा, फिर दूसरे को ढूंढो, फिर तीसरे को ढूंढो, फिर चौथे को ढूंढो। हर बॉडी में, हर पर्सन में चार फैक्टर होते हैं या चार से ज़्यादा भी हो सकते हैं जो हेयर डैमेज कर रहे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर मैं ब्लो ड्राई तो, सर आयरन कर्ल तो करना ही पड़ता है, सर कर्ल तो करना ही पड़ता है ना, अच्छा तो दिखना ही है ना, डाई तो करना ही पड़ता है, डाई भी डैमेज करता है, हेयर डाई डैमेज करती है, हेयर कलर डैमेज करता है, हेयर क्या बोलते हैं आप उल्टे सीधे स्पाज करते हैं वो भी डैमेज करते हैं जी हाँ, बेसिक चीज़ें नहीं पता होती लोगों को। सो दिस इज द बेसिक व्हाई पीपल आर डैमेजिंग द हेयर्स एंड आई हैव अ फुल वीडियो ऑन डिटेल्स ऑन देम ऑन यूट्यूब, सो यू कैन चेक देम आउट, जस्ट टाइप हेयर केयर, हेयर फॉल बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब एंड यू विल फाइंड देम। मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दीज वीडियोज ताकि लोगों को जागरूकता हो, नहीं पता होगा तो लोग गलती करते रहेंगे।